नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 कमांडर मम्मी। ये एक नाटक है, इसमें पात्र दे रखे हैं। कौन कौन से पात्र हैं इसके अंदर? नीरज एक लड़का, श्रीपत नीरज का मामा और अंजलि नीरज की मम्मी। ये जो नाटक है इसमें तीन पात्र हैं और इन तीनों पात्रों में आपको एक नाटक प्रस्तुत किया गया है इस चैप्टर में। मतलब बताया गया है कि नीरज की सोच क्या है और नीरज की मम्मी की सोच क्या है और नीरज खुद क्या सोचता है। तो आइए पढ़ते हैं। श्रीपत टांगे मेज पर रखकर बहुत आराम से बैठा था। श्रीपत कौन है? नीरज का मामा। यानी नीरज का मामा टांगे मेज पर रखकर, देखिए आप, ये श्रीपत का मामा है, ये नीरज है और ये टांगे मेज पर रखकर आराम से बैठा है। नीरज, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखते। श्रीपत, किसने कहा तुमसे? नीरज बोलता है, मम्मी कहा करती हैं मामा जी। श्रीपत बोलता है, ऐसी बातें तुम्हारे लिए होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तब तुम्हें भी मेज पर टांगे रख कर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। हंसता है, कहो किस कक्षा में पढ़ रहे हो? जो श्रीपत होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? मनमौजी होता है और वो नीरज को भी गलत शिक्षा दे रहा है। देखिए आप इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। जब नीरज ने उसके अपने मामा को, उसने कहा कि मामा जी टेबल पे पैर नहीं रखते, तो श्रीपत ने उल्टा ही उससे क्या कहा कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे और मामा बन जाओगे तब तुम्हें भी टांगे रखने की आज्ञा मिल जाएगी। और वो हंसने लगा और उससे क्या कहता है, किस कक्षा में पढ़ रहे हो? नीरज बोलता है, 5वीं में मामा जी। श्रीपत बोलता है, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज बोलता है, डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपत बोलता है, डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? नीरज बोलता है, मम्मी ने। तो श्रीपत, तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज बोलता है थोड़ा सोचकर, मैं मामा जी। श्रीपत बोलता है, हर बात के साथ मामा जी किसने सिखाया? नीरज बोलता है, मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से बात करनी चाहिए। तो श्रीपत क्या कहता है, तब तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़कर चला करो, रौब से बात किया करो। और नीरज बोलता है, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी पर। श्रीपत बोलता है, कप्तान? नीरज कहता है, क्रिकेट टीम का कप्तान, पर मम्मी चाहती हैं, यह बहुत बेकार खेल है, इसमें चोट लग जाती है। तो नीरज ने जब अपनी मन की इच्छा श्रीपत को बताई तो उसने क्या बताया कि वो खुद क्या बनना चाहता है, कप्तान बनना चाहता है। और श्रीपत को उसने क्या बताया कि मम्मी कहती हैं कि तुम डिप्टी कमिश्नर बनो। तो कितना अंतर हो गया, बच्चा कुछ चाहता कुछ है और वो मम्मी की आज्ञा के अनुसार काम कर रहा है। तो नीरज क्या कहता है कि क्रिकेट टीम का कप्तान, पर मम्मी कहती हैं यह खेल बेकार है। श्रीपत कहता है, ऐसे तो तुम बन चुके क्रिकेट टीम के कप्तान, कितने घंटे खेलते हो? नीरज बोलता है, 2 घंटे। श्रीपत बोलता है, पास होने के लिए नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफ़ी है, वैसे तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहते हो? नीरज बोलता है, क्रिकेट टीम का कप्तान बनना। श्रीपत उसे सुझाव देता है, तो रोज़ 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे खेलो, तुम्हारे मामा भी चाहते हैं कि तुम क्रिकेट टीम के कप्तान बनो और भारत में ही नहीं पूरे संसार में नाम कमाओ। तो मामा उसको सुझाव क्या देते हैं कि तुम क्रिकेट टीम का कप्तान बनो, और क्रिकेट टीम का कप्तान बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत घंटे पढ़ो, तुम 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे खेलो। नीरज खुश होकर मामा जी कहकर श्रीपत से लिपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से आवाज़ लगाते हुए, नीरज नीरज जी मम्मी, अंजलि बोलती है कमरे में प्रवेश करते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में चलो, पढ़ने का समय हो गया है, अभी अध्यापक भी आने वाले होंगे, कल का काम कर लिया? नीरज बोलता है, मम्मी मैं तो खेलूँगा।
अंजलि क्रोध से, क्या क्या, फिर हंसते हुए, चलो नीरू बेटा। नीरज बोलता है मम्मी अब से मैं 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। अंजलि क्रुद्ध होकर यानी क्रोधित होकर, क्या कहते हो, नरमी से चलो बेटा तुम्हारे अध्यापक आने वाले हैं। नीरज बोलता है मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध रोककर नरमी से, पागल सिर पैर तोड़वाएगा क्रिकेट टीम का कप्तान। क्रिकेट टीम का कप्तान बनकर तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज बोलता है मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट टीम का कप्तान ही बनूंगा। अंजलि क्रोध को रोकने में असफल होकर, चल चल बन गया क्रिकेट टीम का कप्तान, अब चलकर पढ़। अध्यापक जी के आने का समय हो गया है, उसके कान पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। श्रीपत बोलता है अरे दीदी तुम तो नीरज का कान ही उखाड़ दोगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर क्रोध से, चुप रहो श्रीपत, तुम चाहते हो कि यह भी तुम्हारी ही तरह आवारा हो जाए, फुफकारते हुए, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। श्रीपत बोलता है अरे दीदी तुम तो गृहस्थी में अपनी जान बेकार ही खपा रही हो, तुम्हें तो सेना या जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए था। तो इस चैप्टर में क्या बताया कि नीरज की मम्मी उसे क्या बनाना चाहती हैं, डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती हैं, और श्रीपत नीरज का साथ देता है, नीरज का साथ देता है, और ये चीज़ अंजलि को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसको नीरज को वहाँ से ले जाती है। तो इस चैप्टर में आपको समझ में आया होगा कि नीरज क्या करना चाहता था, क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता था, मगर अंजलि उसकी मम्मी उसको डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती थी, और श्रीपत उसके मामा जी नीरज का साथ देते हैं। तो ये नाटक यहीं पर ख़त्म हो जाता है, इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।